हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी दही भल्ले की चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको हम बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाने वाले हैं। इसमें हमें किसी भी तरीके से दाल को भिगोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसको बनाएंगे सूजी से और ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। मुझे पर्सनली ये चाट बहुत पसंद है, तो देर न करते हुए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक फ्राइंग पैन रखा है और एक बाउल मैंने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी मैंने यहाँ बारीक वाली ली है। इसे हमें मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए भूनना है। इसे हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट हमें इसे भूनना है। ज्यादा भूनने से इसके जो भल्ले हैं वो बिखरने लग जाते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट इसे भून लीजिए। और इसको हम अब प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो सूजी को मैंने प्लेट पर निकाल लिया है। अब पैन को साफ करके मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है और इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हम भून लेते हैं। जीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। साथ ही मैं 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। इसको आप अच्छे से भून लीजिए जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। अब मैं इसमें 3 बाउल पानी डाल रही हूँ। जिस बाउल से मैंने सूजी ली थी उसी बाउल से मैं 3 बाउल पानी डाल रही हूँ। 1 बाउल सूजी और 3 बाउल पानी लिया है। इसे अच्छे से चलाकर मिला देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप नमक स्वाद अनुसार डालिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 उबाल आने तक इसे हम छोड़ देंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो हम इसमें सूजी डाल देते हैं और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसमें किसी भी तरीके का लम्स नहीं आने चाहिए और बहुत ही स्मूथ डो हमारा बनके तैयार होना चाहिए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन इसे अभी और पकाना है हमें, जब तक यहाँ और थिक ना हो जाए और एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। तो इसे हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। चलाते हुए आप इसको पकाइए मीडियम हीट पर। देखिए अब यहाँ एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसको हम ठंडा होने देते हैं। हमारा जो मिश्रण है वो ठंडा हो चुका है, तो साफ हाथों पर तेल लगाकर आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। ऐसा करने से यह और भी स्मूथ हो जाता है और इसके भल्ले बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से मसल लीजिए और छोटे छोटे भाग हम हाथ में लेते हुए इसके भल्ले बनाकर तैयार करेंगे। तो आप भल्ले गोल आकार में भी बना सकते हैं, मैं इस तरीके से बड़े के आकार में बना रही हूँ। बीच में हम किशमिश की स्टफिंग कर देंगे क्योंकि मुझे दही भल्ले में किशमिश का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग कर सकते हैं या इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे भल्ले बनाकर एक तरफ रख देंगे और बाद में इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए सभी भल्लों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी भल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ 1 बाउल में मैंने 2 ग्लास गुनगुना पानी लिया है और इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो इसे आप अच्छे से मिक्स करके इस पानी को हम एक तरफ पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 बाउल में लिया है दही जो कि 300 ग्राम है। इसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी खट्टे वाला दही नहीं लिया है, यह मीठा दही है। इसे अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ आप इसको फेंटिए। इसे भी एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है हरी चटनी जिसको कि मैंने हरी मिर्च, धनिया और पुदीने से बनाया है। और यहाँ पर मैंने ली है सौंठ की मीठी चटनी। आलू भुजिया मैंने यहाँ लिया है, अनारदाना, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है और रोस्टेड जीरे का पाउडर। साथ ही थोड़ा सा नमक हम लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो फटाफट हम भल्ले फ्राई कर लेते हैं। इन भल्लों को हमें तेज आंच पर ही फ्राई करना है क्योंकि सूजी का जो मिश्रण है वो पका हुआ है, सिर्फ हमें इसे क्रिस्प करना है। तो हम इसको तेज आंच पर फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारे भल्ले कितने अच्छे सुनहरे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। इनको हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी भल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्प और सुनहरे बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए इसकी चाट तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। जितने भल्लों की चाट बनाना है उतने भल्लों को आप पानी में डिप करके हाथों से निचोड़कर जिस बाउल में या प्लेट में आपको चाट बनानी है उस पर रख दीजिए। तो इसे थोड़ा सा हाथों से निचोड़ लेंगे। इस तरीके से हाथों से निचोड़कर प्लेट पर हम रख देते हैं। बाकी के भल्ले आप रख दीजिए, जब आपको चाट बना के खाना हो तब आप इसको पानी में डुबोकर इस्तेमाल कीजिए। तो इसके ऊपर से मैं दही डाल देती हूँ। इसके ऊपर आप दही डाल दीजिए। अब इसके ऊपर मैं
मीठी चटनी यानी कि सौंठ डाल रही हूँ। आप चटनी की मात्रा अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, जितना भी आपको खट्टा मीठा पसंद हो उस तरीके से आप चटनी और मसालों की मात्रा को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी चटनी डाल देती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कि ज्यादा तीखी नहीं होती है। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और रोस्टेड जीरे का पाउडर। ऊपर से हम थोड़ी सी आलू भुजिया इसमें डाल देते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा सा क्रिस्प हमको मिल जाएगा। और अनारदाना हम इसमें डालेंगे, तो थोड़ा सा अनारदाना हम डाल देते हैं। देखिए कितनी रंग बिरंगी और खूबसूरत चाट बनकर हमारी तैयार हुई है। दही भल्ले की कितनी प्यारी चाट हमने बनाई है। खाने में ये उतनी ही मजेदार है जितनी की देखने में है, तो आप इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए आप kumkumkitchens.com पर भी जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।